जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जामास मैजिक पे, जहाँ रखते हैं आपको प्रॉस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेनुइन इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का, और हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में भी। आइए, आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है वो बिहार डीएलएड का जो अभी ऑन गोइंग एग्जाम है, जिसका भी एग्जाम चल रहा है, बिहार डीएलएड 2024 का जो एग्जाम चल रहा है, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है। जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए कोई बात नहीं है, जिनका एग्जाम अभी बाकी है और लास्ट मोमेंट में बहुत ही परेशान है, क्या करें, कैसे होंगे पास, कैसे मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, आइए इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप कुछ बातों पर ध्यान दे लीजिएगा तो आपका तैयारी अच्छा नहीं भी है, इसके बावजूद भी जो है ना आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, अभी तक जो एग्जाम हुआ है और इससे पहले पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसको एनालिसिस को देखते हुए आपको हम एक ऐसे बुक के बारे में बताएंगे जिसके कुछ पेज को आप पढ़ के अगर एग्जाम में चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन जो है ना किस प्रकार से पूछा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये डिटेल में समझ लीजिए। आप तो सिलेबस जानते ही हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, आपको सिंपल आर एस अरवाल से किताब से क्वेश्चन जो है ना देखने को मिल जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद साइंस, अभी हम आपको बताएंगे कि साइंस के लिए आपको ज्यादा नहीं, चार पांच पेज बताएंगे एक बुक के बारे में, उस बुक का चार पांच पेज जो है ना पूरा साइंस है, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। सोशल साइंस के बारे में भी बता देंगे, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, कुछ पेज पढ़ना पड़ेगा तो ये भी आसान हो जाएगा। रीजनिंग इजी होता है, हिंदी आप कर ही लोगे, इंग्लिश कर ही लोगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप एक बात ध्यान रख लेना कि 120 का 120 क्वेश्चन टिक करके आना, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, 120 का 120 क्वेश्चन टिक करके आना है। जी हाँ, अभी हम आपको बताएंगे कि साइंस में जो है ना कहाँ से पढ़ना है और सोशल साइंस में कहाँ से पढ़ना है। ये जो 40 क्वेश्चन है ना, ये 40 क्वेश्चन सही बता रहे हैं, अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें देखा जा रहा है ये 40 का 40 क्वेश्चन उसी किताब से आ रहा है, ठीक है ना, उसी किताब के उसी पेज से आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और जो बता रहे हैं हम किताब वो सबके घर में होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपके पास, तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो जो तैयारी कर रहा है उसके पास ये बुक जरूर होगा, ठीक है। और आपको इसी बुक से पढ़ लेना है साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा हम आपके साथ रहेंगे, आपको बताएंगे, बहुत हेल्प करेंगे, काउंसलिंग में भी हेल्प करेंगे, आपको एडमिशन तक हेल्प करते रहेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं क्या करना है आपको। एक किताब है, ठीक है ना, ये देखिए, ये किताब बहुत ही फेमस है, सब जानते हैं, ये स्पीडी पब्लिकेशन का है, रेलवे सामान्य अध्ययन, ठीक है। और इसका आपको कुछ पेज पढ़ के सिर्फ जाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि शुरू के जो है ना, शुरू के रेलवे का छोड़ देना है, शुरू के आपको यहाँ पे जो है ना बता देते हैं 20 पेज इसको पढ़ लेना है, ठीक है। शुरू के 20 पेज पढ़ लेने का मतलब ये बता रहे हैं कि एक बार अगर आप देख लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। अब इसमें जो है ना, अगर आप साइंस के लिए जाते हैं तो साइंस के लिए चार पेज है, इसमें टोटल चार पेज है साइंस के लिए, बीच में से आपको मिलेगा पूरे साइंस ही है, जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी है। आज तक जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्रीम है, हम कह सकते हैं ये मलाई है, मलाई। तो आइए देखते हैं कितने पेज का है ये टोटल जो है ना, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जी हाँ, ये देखिए, ये विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, ठीक है। और इसको आपको थोड़ी पढ़ लेना है, देखो, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, ठीक है, पांच, छ, ठीक है, छह पेज है इसमें साइंस का, साइंस का छह पेज है। और दो से तीन पेज आपको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का पूछना है, पढ़ना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होता है। तो छह पेज ये और शुरू का 20 पेज, ये अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो इस 40 क्वेश्चन में से बहुत सारा क्वेश्चन आप बना लोगे। और साथ में आपको क्या करना है, भारत के जो पड़ोसी देश है उसके जो कैपिटल है, राजधानी है, वो पढ़ लेना है, इसके साथ साथ उसका मुद्रा पढ़ लेना है, ठीक है ना, ये चीज आपको पढ़ना होगा। ज्योग्राफिकली जो है भारत के जो भी पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका का पूछा था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश का पूछ लिया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा बात मानिए, लास्ट मोमेंट में आप इतना जरूर करके आइएगा कि आप एग्जाम क्रैक कर दीजिएगा। अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हैं तो आप और आपका जो है ना
जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। जी हाँ, तो इस पेज को जरूर पढ़ लीजिएगा लास्ट मोमेंट में। और मैथ तो बड़ा सिंपल सिंपल पूछा जा रहा है। एक बात बता देते हैं, 7 लाख स्टूडेंट बैठे हैं इस बार एग्जाम में, 7 लाख अप्रोक्स, 7 या 7 प्लस है, ठीक है। और इतने सारे स्टूडेंट हैं, और बिहार में अगर सरकारी कॉलेज की बात करें तो बहुत कम सीट है, प्राइवेट कॉलेजों की सीट ज्यादा है, सरकारी कॉलेज का सीट बहुत ही कम है। तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो भी है टिक मार के आना है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। आप देख लीजिएगा आपके एडमिट कार्ड में नीचे लिखा है, ठीक है ना, कि प्रत्येक एक के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, सही के लिए, गलत के लिए आपको अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एसपीडी पब्लिकेशन का ये बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, इस पेज को जरूर पढ़ के जाइएगा, मेरा मानिए पढ़ के जाइएगा। अगर आपका तैयारी नहीं है ठीक से, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जामैस।